हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द गर्ल्स स्क्वाड। मेरा नाम है प्रीति। मेरा नाम है प्रीति सिंह। और आज हम लेकर आए हैं हर्ष राजपूत की नई वीडियो। हाँ, बिल्कुल नई ब्रांड न्यू एकदम, क्या कहते हैं उसे, मसाला मार के देखते हैं कौन सा मसाला मारेंगे। अरे क्या हो गया तेरे को? 1 2 3 गो। मैच्योर ऑडियंस, नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है धाकड़ न्यूज के इस ताजा तरीन एपिसोड में। आप देख रहे हैं धाकड़ न्यूज धर्मेंद्र धाकड़ के साथ, जो कि है विश्व का सर्वश्रेष्ठ न्यूज नेटवर्क। तो यहाँ पे भी हम आए हैं रमेश राजा नशा मुक्ति केंद्र में जी, क्योंकि जो साला नशा होता है ना जी, एकदम नशा होता है। तो ये रमेश राजा यहाँ के जो मुक्ति केंद्र है, यहाँ पे एक अलग टेक्निक बनाया है इन लोगों ने। और यहाँ पे जो लोग नशेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी जिस टाइप का भी नशा भैंचो करता है, उसको यहाँ पे इलाज के लिए लाया जाता है। और यहाँ पे अलग टेक्निक से उन लोग का यहाँ पे इलाज किया जाता है, क्योंकि जो नशा करता है ना, उस साथ खुद को नहीं अफेक्ट करता, अपने आसपास परिवार वालों को भी प्रभाव डालता है। तो लोग ये कोशिश में रहते हैं कि जो लोग हैं, जो नशेड़ी है, उनको आम जीवन में ला के उनका जीवन सही बनाया जा सके। तो उसी के लिए हम आए हैं यहाँ पे, आपको रिपोर्ट दिखाएंगे कि किस तरह से ये लोग मदद करते हैं नशेड़ियों को सही होने में। तो और सिर्फ हम लोग देखने भी नहीं आए अंडू गंडू की तरह, इधर आओ जी, हम लोग कम्बल भी लाए हैं। अरे इधर आओ ना, मौगल ही इन्होंने कहा खड़ा है जी। ये देखिए कमल, कमल ठीक है ना जी, ये देखिए कमल लाए हम लोग, ताकि लोगों को यहाँ पे बांटेंगे देंगे, क्योंकि बहुत ही जो ठंड है वो अभी गणफा ठंड चल रही है। तो कम्बल भी एक तरह से, कम्बल भी वितरण का एक सोशल वर्क भी हो जाएगा धाकड़ न्यूज की तरफ से। और यहाँ पे अपनी रिपोर्ट भी दिखा देंगे। तो आइए चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यही देखिए रमेश नशा मुक्ति केंद्र है जी। हेलो, यही नशा मुक्ति केंद्र है जी। जी क्या नाम है आपका? भोलू भूषण सर। भोलू भूषण नाम है, यही है का जी? रमेश राजा जी सर, रमेश राजा नशा मुक्ति केंद्र, यही फाउंडर हैं आपके? जी हमारे फाउंडर हुए सर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं कि यही है, इन व्यक्ति को दिखाइए, यही है वो महान आत्मा जो कि जिन्होंने यहाँ पे इतने जो भी नशेड़ी लोग हैं उनके लिए एक प्रयास किया है, एक जगह बनाया है, ताकि वहाँ आके वो ठीक हो सके और नशे से की आदत से उभर सके। तो ये डॉक्टर उक्टर थे का जी? जी नहीं सर, ये नशा वगैरह करते थे, फिर मर गए, तो फिर उनके बेटे ने सब खोला है। अच्छा, मतलब नशा करते थे, गंजेड़ी थे का? जी नहीं सर, बस वही सब समझ ले जी, कुछ कुछ करते थे। अच्छा, मैंने पान पर आगे सब खाता था ना, ये जैसा कि देख सकते हैं आप, देखने से ही लग रहा है बहन चौधरी महान आत्मा नहीं है, बहुत नशा उसा करता है, सब बहुत बुरा चीज है जी, सब हम देखते ही समझ गए थे उसका सकार। इधर से कुछ आवाज आ रहा है जी, इधर है ना, इधर रास्ता है, इधर से कुछ कोची हुआ जी यहाँ पे, यहाँ पे कैसे भी लगता है ना, हम यहाँ पर बीमारी बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए आए हुआ, समय नहीं कि चुप कोची हुआ, बात कुछ बात बताइए, क्या बात हुआ? वही कह रहा हूँ इनसे भी, ये कड़वा टेक्निक इन पे इस्तेमाल किए ठीक हो जाएंगे, समय लगता है ना किसी काम को करने में। नहीं दिक्कत क्या है इसको, दिक्कत क्या है सर? ये गांजा गांजा पीते थे? हाँ ठीक है जी सर, हमारा ये काम है कि कड़वा टेक्निक से इनको ठीक करने का। अच्छा, ये कड़वा टेक्निक क्या है? जैसे लोहा लोहे को काटता है ना, हम ऐसे नशा देकर नशे वालों को ठीक करते हैं। अच्छा, मतलब नशा ही नशा को ठीक करेगा। मैं यहाँ पर इसका गांजे का इलाज करवाने के लिए आया था, मैं ठीक करवाने के लिए आया था, और ये देखिए इसको क्या हुआ। देखिए जैसे तो कड़वा टेक्निक है, कैसे ठीक होगा थोड़ा हमको बताइए, परेशान ना है जी। देखिए सर, ये जैसे गांजा पीते थे हम, इनको कड़वी, जैसे जितनी भी कड़वी दारू होगी वो पिलाएंगे। अच्छा, कड़वी जो दारू होगी कड़वाहट से इनकी जाएगी, इनकी नशा जो करते हैं गांजा लगाते हैं। अच्छा। वो कड़वाहट से जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, इसीलिए हमने कड़वा टेक्निक का इस्तेमाल किया इन पर। अच्छा। मैंने इनसे बताया कि समय लगेगा, टाइम लगता ही है ना। तो इस तरह का चीज काम करता है? बिल्कुल काम करता है, मैंने कहीं काम करता है ये, पहले गांजा पीता था और अब आपकी कड़वा टेक्निक से दारू भी पीना शुरू कर दिया इसने। अरे भाई जी, दारू भी पीने लगा जी? उधर मुझे देखो, तुम दारू भी पीने लगा जी? थोड़ा थाक पीते हैं, ज्यादा तो नहीं पीते, थोड़ा थाक पीते हैं, थोड़ा थोड़ा पीता है। बना दिया तुम कड़वा टेक्निक, बड़वा टेक्निक सर? सर पहले नहीं, चुप कराइए, मैंने कड़वा टेक्निक से बहुत बिल्कुल ठीक होगा, और मैंने कड़वा टेक्निक से बहुत मरीज ठीक किया, देखिए आपको दिखाता हूँ, मतलब ये ठीक हो सकता है, ठीक होगा। देखिए क्या थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, समय लगेगा, समय लगेगा, देखिए थोड़ा सा इनको टाइम लगेगा और ये ठीक हो जाएगा ना? जी जी होंगे। अगर ये ठीक ना हुआ तुम्हारा हॉस्पिटल बंद करवा दूंगा मैं। अरे हम इसका गण खोल देंगे, आप चिंता मत कीजिए। देखिए
तुम साला दारू नहीं पिएगा जी, नशा उसा मत करना, ठीक है? देखिए थोड़ा सा टाइम लगता है, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए और धागा नहीं की तरफ इधर भेजिए, इधर कम्बल लेके इधर देखिए, धागा नहीं की तरफ से इनको कम्बल का दान किया गया है। तुम नशा उसा मत करना जी, ठीक है? अगर तुमको मिलेगा ना दारू वरू मिलेगा बढ़िया, गांजा हो जाए बढ़िया क्वालिटी मिलेगा तो बताना हमको ठीक है आप इसको लेके जाइए ठीक हो जाएगा और आप बताइए कि कहाँ कड़वा टेक्नी से कहाँ ठीक हुआ है ये देखिए शेन और टू ड्रग्स रमेश राजा मुक्ति फाउंडेशन यहाँ पे आइए ये रूम है ये देखिए यहाँ पे बड़ा अंधेरा है जी लाइट उठा करो ये देखिए यहाँ पे ये हेलो इनको कहाँ हुआ था सर ये चर्सी थी क्या हुआ चाचा ठीक है? दर्द क्या कर रहा है? बाथरूम में गिर गए थे। बाथरूम में गिर गए थे? सात बार गिरे थे। तो सात बार गिरे महाराज, किसी को बुलाया का है नहीं? कपड़ा नहीं पहने थे ना जी, कपड़ा सिलंगते चले गए थे, लुंगी खुल गया था, अब किसको बुलाते का करते, तो बड़ी मुश्किल से फिर आए बाहर। बाथरूम में गए, लुंगी खुल गया, गिर गए ना, तो भी कहाँ बुलाएगा, आएगा आदमी गाँव उड़ देख लेगा आपका, ये सब मैंने बहुत बुरा काम है, लेकिन मैनेजमेंट की कोई गलती नहीं है, तो ये आपका पर्सनल प्रॉब्लम है कि आप लंगटे उंगटे जा रहे हैं उधर लुंगी पहन के, तो नहीं ऐसा मत कीजिए, लंगटे उंगटे मत रहिए, गाँव मत दिखाई किसी को, कम्बल लगाओ पहले भाई। देखिए धाकड़ न्यूज की तरफ से आपको कम्बल यहाँ पे दिया गया है, ताकि आप अपना जो भी आपकी आगे की यात्रा है, नशा मुक्ति की जो यात्रा है, उसे आप ठीक से करें, ठीक है? और थोड़ा ध्यान रखिए, लंगटे मत जाइएगा बाथरूम उथरूम में जी। तो हम लोग अभी चलिए आगे चलते हैं, लाइट ऑफ कर दी, दरवाजा बंद कर दी, एंजॉय करो जी। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं, ये देखिए जो पोस्टर हमारा नजर खींचा है, जो ना समझे पांडू है, जो नशा करे वो गांडू जी, है जी, सर, ये पढ़िए। नशा एक चूतिया चीज है, नशा ना करे, मैंने इस तरह का पोस्टर लगा के लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि नशा ना करे, बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या है, क्रिटिकल पेशेंट है, देख सकते हैं यहाँ पे क्रिटिकल, यहाँ पे लाइट ऑफ है जी, ऑन करे, ये देखिए यहाँ पे क्रिटिकल इनका। अच्छा, इन्हें सात प्रकार के नशे थे, सात प्रकार के नशा करता था, इनका फेफड़ा खत्म हो गया था, फेफड़ा पूरा खत्म जी सर, हमने उलबुलाव का इन पे फेफड़ा लगाया, उलबुलाव का फेफड़ा लगाया, ये देखिए कितनी सांस ले रहे हैं, कृत्रिम सांस माने मशीन से ही सांस ले रहा है ना जी, ओहो इस तरह का मशीन से इनको सांस दिया जा रहा है ना, ओहो तो इनको जैसे उद्बिलाव का फेफड़ा लगा है तो पानी में भी सांस लेंगे का जी? कैसी बात कर, नहीं नहीं ठीक है, तो मतलब इस सात तरह का, देखिए इस तरह का जो चीज है, सात तरह का यहाँ पे नशा किया जाता था, तो बहुत एकदम गाड़ों में कैंसर हो जाता है इसे करने से ना, तो इस इनका इलाज आप लोग कर रहे हैं, मतलब ठीक हो जाएंगे ही, जब तक मशीन से आप सांस इनको दे रहे हैं ना, ये देखिए बहुत ही यहाँ पे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, तो बहुत बढ़िया काम आप यहाँ पे कर रहे हैं डॉक्टर साहब, और दिखाइए हमें आगे क्या है आपका, आइए चलिए इसको बत्ती उत्ती बुझा देते हैं, इनका लाइट उट बंद करके चलिए, और कहाँ जाना है हमें, अच्छा अच्छा ऊपर जाना है, आइए हमारे साथ बने रहिए, डॉक्टर साहब हमें दिखा रहे हैं कि इनका जो नशा मुक्ति केंद्र है किस तरह से काम करता है। हाँ आराम से आ रहे हैं, अब जी कमल वो लेके ऊपर हूँ बैठना होगा, यहाँ पे आप धाका न्यूज पर लाइव देख रहे हैं कि हम लोग आप एक नशा मुक्ति केंद्र का आपको लाइव दिखा रहे हैं कि किस तरह से क्या काम करता है। ये हॉल है जी, इसमें कोई नहीं है, ये रूम नंबर 4 है, आइए यहाँ पे, अंधेरा है बहुत जी, बत्ती उत्ती, हाँ देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे भी एक व्यक्ति है, आइए इनसे हम थोड़ी सी बातें करेंगे। हाँ अच्छा ये ठीक हो गए हैं जी, मच्छरदानी लगा ले हैं, ठीक है आप? ठीक है सर, ठीक है तबीयत, ठीक है तबीयत, कैसा चल रहा है नशा मुक्ति? ठीक ही चल रहा सर, ठीक चल रहा है, चल रहा आप लोग चल रहे सर, ठीक चल रहा है ना? ठीक चल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं ताकि देखिए बहुत सारा चीज है इस समाज में, ठीक है, लोग नशा छोड़ नहीं पाता है, लेकिन हम आपके आपने इतना बढ़िया काम किया, इतना सम्मानित काम किया है, नशा छोड़ के हैं, तो यहाँ पे हम आपको कम्बल लेके जो है इतना जो पतला चादर आप पहन के आपको कम्बल देना चाह रहे हैं, जरा कम्बल लेके, देखिए इस पतले चादर में क्या ठंड जाएगी, उधर कौन है जी, कौन है जी, अरे भाई जो लड़की लेके बैठल है यही नशा मुक्ति केंद्र है जी, चिंता है साला लड़की लेके बैठल है, इस तरह की चीज देखने के बाद मन करता है कि हम बूढ़ा हो जाए, डॉक्टर साहब सांस नहीं ले रहा है, कौन सांस नहीं ले रहा, कौन नीचे जो मरीज हुआ था जी, जो लेकर था कहा हो गया जी, उसको सांस कहीं नहीं ले रहा, यहाँ पे जो मरीज को अभी हम लोग देख के गए थे वो सांस नहीं ले रहा है, कुछ यहाँ पे दिक्कत वाली बात हो गई है, अरे लाइट ऑन करो, कहा हुआ जी, दिखाइए इनको क्या हुआ,
ये सांस कहाँ नहीं ले रहा है? चटस 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 सांस सांस नहीं क्या हुआ मशीन सब बंद है जी कहाँ हुआ जी मशीन बंद है सब मशीन कौन बंद किया माधोचो मशीन मैंने बंद किया था लास्ट टाइम आइए चलिए इसको बत्ती बुझा दो ये स्विच है का मशीन का यही स्विच है जी अरे हमको लगा कि मोबाइल का चार्जर है हमें बंद कर दिए थे जी अरे नहीं उसको देखिए ना उसको इलाज कीजिए चलो जी देखिए इस तरह की छोटी घटनाएं होती रहती है कभी कभी और मशीन कृपा के चलो लेके कमल भाग बहुत मुश्किल होता है वीडियो ऐसे अभी वो ये अपनी वीडियो है ना वैसी बनाने लग गए हैं थोड़ी सी कैसे जागरूकता फैलाने वाली सही है अच्छी बात है एंटरटेनमेंट के साथ जागरूकता भी दो तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट करें और शेयर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय